हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले क्लास सिक्स एक्सरसाइज फोर तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन में बोला गया है मोहन ट्रेवल्ड एटीन किलोमीटर थ्री मीटर बाय बस नाइन किलोमीटर टू मीटर बाय कार एंड वॉकड ऑन फूड एट मीटर हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इन ऑल तो इस क्वेश्चन का मतलब है मोहन जो है वो ट्रेवल करता है घूमता है 18 किलोमीटर 350 मीटर बस से फिर 9 किलोमीटर 262 मीटर घूमता है कार से और उसके बाद वॉक करता है ऑन यानी कि चलता है फुट यानी अपने पैरों पर 840 हंड्रेड फोर्टी मीटर्स तो हाउ मच यानी कि कितना डिस्टेंस जो है उसने ऑल यानी की कुल मिलाकर ट्रेवल किया है कुल मिला कितना घूमा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स लिखेंगे मोहन ट्रेवल्ड क्वेश्चन से बना रहे स्टूडेंट्स मोहन ट्रेवल्ड बाय बस बस से कितना चला वो एटीन किलोमीटर थ्री हंड्रेड फिफ्टी मीटर राइट तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पे ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमको किलोमीटर और मीटर को डेसिमल पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट के लेफ्ट में लिखते हैं किलोमीटर को और पॉइंट के राइट right में लिखते हैं मीटर को वो भी तीन प्लेस पे ओके okay, यानी कि पॉइंट के बाद तीन डिजिट आने चाहिए तो ये हो जाएगा एटीन पॉइंट थ्री फाइव जीरो किलोमीटर क्लियर है अब चलिए इसके बाद लिखेंगे मोहन ट्रेवल्ड बाय कार राइट क्वेश्चन में बोला है बाय कार इज इक्वल टू हो जाएगा ये नाइन किलोमीटर एंड टू हंड्रेड सिक्स टू मीटर तो पॉइंट में हो जाएगा ये नाइन पॉइंट टू सिक्स टू किलो क्लियर अब उसके बाद बोले इन्होंने वॉक किया है ऑन फुट तो हम लिखेंगे मोहन ये ओ है मोहन वॉकडॉन फुट वो कितना था 840 मीटर तो अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे किलोमीटर में तो किलोमीटर तो है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा एंड मीटर को लिखते हैं पॉइंट के राइट right साइड में तो हम लिखेंगे एट फोर जीरो तो ये हो जाएगा किलोमीटर ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर है तो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइंट के लेफ्ट में ओके okay, पॉइंट के लेफ्ट में किलोमीटर होता है एंड पॉइंट के राइट right में तीन डिजिट में ये मीटर होता है राइट right? तो अब क्या बोला है हाउ मच यानी कितना डिस्टेंस ही ट्रेवल उसने कुल मिलाकर के कितना ट्रेवल किया है तो चलिए आगे लिखते हैं एंड इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे क्योंकि सबको प्लस करने पे टोटल हमको मिल जाएगा कितना मोहन ने ट्रेवल किया है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो अब हम लिखेंगे मोहन ट्रेवल्ड इन ऑल तो कुल मिला के कितना ट्रेवल किया है तो उसके लिए चलिए सबको प्लस कर देते हैं तो पहला जो डिस्टेंस था वो था एटीन पॉइंट थ्री फाइव जीरो उसमें प्लस करेंगे फिर हम पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा पॉइंट के लेफ्ट में आएगा नाइन एंड राइट साइड था टू हंड्रेड सिक्सटी टू यानी कि टू सिक्स टू मीटर उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट उसके बाद वो पैर पे चला था एट हंड्रेड फोर्टी मीटर जिसको हमने कन्वर्ट किए थे किलोमीटर में तो वो था जीरो पॉइंट एट फोर जीरो तो चलिए अब इसको प्लस करते जीरो प्लस टू 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 प्लस जीरो टू देन फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन का आएगा फाइव वन आएगा यहाँ पे कैरी वन प्लस थ्री हो जाएगा ये फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस एट फोर्टीन फोर्टीन का फोर ही आएगा वन कैरी आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा वन प्लस एट नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन प्लस जीरो एटीन एटीन का एट आएगा वन कैरी आ जाएगा वन प्लस वन ये हो जाएगा टू तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ट्वेंटी एट पॉइंट फोर फाइव टू किलोमीटर ट्रेवल किया है मोहन ने तो वही लिखेंगे मोहन ट्रेवल्ड इन ऑल इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फोर फाइव टू किलोमीटर एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स क्लियर है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द वेट्स ऑफ थ्री बैग्स ऑफ राइस आर थ्री किलोग्राम टू हंड्रेड ग्राम फाइव किलोग्राम सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम एंड सिक्स किलोग्राम वन हंड्रेड फिफ्टीन ग्राम वॉट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स तीन बैग हैं राइस के और उनके जो वेट है जो वजन है वो है थ्री किलोग्राम टू हंड्रेड ग्राम फाइव किलोग्राम सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम एंड सिक्स किलोग्राम वन हंड्रेड फिफ्टीन ग्राम तो कितना टोटल वेट होगा ऑल यानी कि सबको मिला करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट से स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे वेट ऑफ फर्स्ट राइस बैग कितना था वो वो था थ्री किलोग्राम टू हंड्रेड ग्राम तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी हमको किलोग्राम एंड ग्राम को डेसिमल पॉइंट में लिखना हो तो ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट के लेफ्ट में आता है किलोग्राम एंड पॉइंट के राइट right साइड में तीन डिजिट में आता है ग्राम तो हम लिखेंगे थ्री पॉइंट टू जीरो जीरो किलोग्राम क्लियर है ओके okay. फिर लिखेंगे वेट ऑफ सेकेंड राइस बैग वो कितना दिया है फाइव किलोग्राम एंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो हो जाएगा ये फाइव पॉइंट सिक्स सेवन फाइव किलोग्राम इसके बाद लिखेंगे वेट ऑफ थर्ड राइस बैग वो कितना था सिक्स किलोग्राम एंड वन हंड्रेड फिफ्टीन ग्राम तो डेसिमल पॉइंट में हो जाएगा सिक्स पॉइंट वन वन फाइव किलोग्राम तो आपको बस ये चीज याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स की पॉइंट के लेफ्ट में होता है किलोग्राम एंड पॉइंट के राइट right साइड में तीन डिजिट में होता है ये ग्राम ओके अब इसने हमको बोला है टोटल वेट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल राइस बैग्स ओके okay, वो क्या होगा उसके लिए हमको इन सबको प्लस करना पड़ेगा तो प्लस करने पर हमको टोटल वेट मिल जाएगा तो चलिए प्लस करते हैं इन तीनों नंबर को आई I मीन mean तीनों डेसिमल्स को तो हम लिखेंगे थ्री पॉइंट टू जीरो जीरो देखिए उसके बाद पॉइंट के पॉइंट आना चाहिए ये हमने आपको बता चुके राइट आई मीन डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को प्लस करने का रूल है तो उसके बाद देखिए पॉइंट के लेफ्ट में फाइव एंड राइट में है सिक्स सेवन फाइव ऐसी थर्ड में देखिए पॉइंट के लेफ्ट में सिक्स राइट right में है वन वन फाइव तो चलिए इनको प्लस करते हैं तो फाइव प्लस जीरो फाइव फाइव प्लस फाइव टेन कैरी आया वन देन वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन नाइन पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस सिक्स फोर्टीन तो इस तरीके से फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन जीरो किलोग्राम ये होगा टोटल वेट तो हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल राइस बैग्स इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन जीरो किलोग्राम एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स क्लियर है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मोना बॉट सम नोटबुक्स फॉर रूपीज सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो अ पेन फॉर रुपीज ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो एंड अ टेक्स्ट बुक फॉर रूपीज टू हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर जीरो इफ शी गेव द शॉपकीपर अव हंड्रेड रूपी नोट हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक तो इसका मतलब है मोना ने बोट की यानी की खरीदी कुछ नोटबुक्स खरीदी कितने रूपए में सिक्सटी फाइव रूपीज एंड फिफ्टी पैसे ऐसे ही एक पेन खरीदी ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो रुपीज में और एक टेक्स्ट बुक खरीदी टू हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर जीरो रुपीज में तो इतना कुछ खरीदने के बाद अगर उसने शॉपकीपर यानी कि दुकानदार को फाइव हंड्रेड रुपीज का नोट दी है तो हाउ मच यानी कि कितने पैसे मनी जो है यानी कि उसको यानी कि मोना को गेट बैक यानी कि वापस मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन थ्योरी पार्ट से सबसे पहले लिखेंगे मोना बॉट नोटबुक्स फॉर कितने रुपए में रुपीस सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो फिर मोना ने क्या खरीदी मोना बॉट पेन खरीदी अ पेन फॉर कितने रुपए के लिए ये थे ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो फिर उसने ली एक टेक्स्ट बुक ले मोना बॉट अ टेक्स बुक फॉर कितने रुपए में ली 206.40 राइट उसके बाद उसने शॉपकीपर को कितने रुपए का नोट दी 500 हंड्रेड रुपी का नोट दी राइट तो हम लिखेंगे मोना गेव मनी टू शॉपकीपर कितने रुपए का नोट दी है 500 हंड्रेड अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए सारे ही जो पैसे है वो पॉइंट में है तो यहां पे भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे ओके क्योंकि कहीं पे भी जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो वो लास्ट में होता है ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में और पिछले वीडियो में जहां क्वेश्चन सोल्व करके आए वहां हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके राइट तो क्योंकि लाइक डेसिमल्स में होना चाहिए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट दो डिजिट दो डिजिट है तो यहां पे भी हम दो जीरो लगा देंगे तो फाइव हंड्रेड रुपीज को हम फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो लिख सकते हैं जीरो जीरो पैसे हो जाएगा राइट तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे स्टूडेंट्स की मोना ने कुल कितने पैसे खर्च किए कुल कितने रुपए का सामान खरीदी है तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को इस 500 में से माइनस कर देंगे तो उतने रुपए उसको वापस मिलेंगे राइट तो चलिए हम पहले लिखते हैं मोना स्पेंड इन ऑल यानी कि कुल मिलाकर के कुल कितना खर्च की है तो इनको प्लस करेंगे तो चलिए लिखते हैं रुपीज टू टू एंड पॉइंट के राइट में है एट जीरो फिर पॉइंट के राइट right में है देखिए फोर जीरो में है सिक्स जीरो टू सिक्स जीरो टू यानी कि टू हंड्रेड सिक्स तो चलिए इनको प्लस करते हैं तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस एट यानी कि जगह थर्टीन थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन सेवनटीन का सेवन पॉइंट पॉइंट और सेवनटीन का वन कैरी यहाँ पे करेगा उसके बाद ये वन प्लस फाइव हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस सिक्स हो जाएगा फोर्टीन फोर्टीन का फोर यहां आएगा वन कैरी करेगा यहाँ पे राइट फिर हो जाएगा वन प्लस सिक्स सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस जीरो नाइन एंड टू रहेगा एज इट इज तो इस तरीके से ये हो जाएगा टू हंड्रेड नाइनटी फोर पॉइंट सेवन जीरो इतने रुपए खर्च किए मोनान ने कुल मिलाकर के बट क्वेश्चन में पूछा था कि जब उसने फाइव हंड्रेड रुपीज का नोट शॉपकीपर को दी तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे तो अब हम लिखेंगे मोना विल गेट बैक मनी तो कितने पैसे वापस मिलेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे फाइव हंड्रेड में से तो देखिए फाइव हंड्रेड रुपीज क्या था ये रुपीज फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो राइट right? उसमें से माइनस करना है जो खर्च की उसने यानी कि रुपीज टू हंड्रेड नाइन फोर माइनस सॉरी पॉइंट सेवन जीरो माइनस करते जीरो माइनस जीरो अब जीरो में से सेवन तो माइनस होगा नहीं तो ये बोरो प्रोसेस स्टार्ट होगी फाइव से फाइव हो जाएगा फोर तो यहां से वन मिला ये टेन हो जाएगा टेन में से इसको वन देगा तो खुद नाइन हो जाएगा ये टेन हो गया टेन में से इसको 1 तो ये में से इसको वन देगा और खुद नाइन हो जाएगा ये हो जाएगा टेन राइट right? तो टेन माइनस सेवन हो जाएगा थ्री पॉइंट के नीचे पॉइंट नाइन माइनस फोर हो जाएगा फाइव नाइन माइनस नाइन जीरो फोर माइनस टू टू तो रूपीज टू हंड्रेड फाइव एंड थर्टी पैसा वापस मिलेंगे मोना को ओके स्टूडेंट्स क्लियर है तो इसको लिखेंगे मोना विल गेट बैक मोना विल गेट बैक मनी इज इक्वल टू रूपीज टू हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री जीरो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स क्लियर है आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए आज के लिए इतना आई थैंक यू